ये छोटे बच्चों का टूर्नामेंट हमारा बी डिवीजन टूर्नामेंट सरोदय पब्लिक स्कूल का, जो कि हर साल इसी टाइम ये टूर्नामेंट खेला जाता है। और ये जो कि आज टूर्नामेंट का ये फाइनल मैच खेला जा रहा है, सत्यम वर्सेज हर्ष गुप्ता के बीच खेला जा रहा है। ये तो काफी दोनों टीमें एक फाइनलिस्ट की दावेदार है, देखना है कौन सी टीम जीतती है। दोनों टीमें एक तरह की फाइट कर रही है। और इसके पहले जो कि सेमीफाइनल मैच खेला गया था, जो इस समय टीम फील्डिंग कर रही है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई की है। ये सेमीफाइनल मैच इसके पहले वाला जीत के इसके लिए डबल है। और उनके पास दोनों टीमों को एक जैसा प्रेशर है, ठीक है। ये हमारे सारे जो कि प्लेयर्स, हमारे जो अंपायर्स हैं, उनका सबका उतना ही योगदान रहा इस मैच में, जो कि मैच को शुरू कराने में या स्टार्ट कराने में। ये ड्रिंक की टाइम हमारी जो चल रही है, ये हमने दिया 2 मिनट का टाइम, ठीक है। 2-3 मिनट के टाइम में ये ड्रिंक की हमारी व्यवस्था है, ठीक है। और बच्चों का जो टूर्नामेंट्स, हम ये सोचते हैं कि टूर्नामेंट्स में जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस एक निकल के बाहर आए और कॉम्पिटिशन को बीट करें, ठीक है। कॉम्पिटिशन में दिखे कि हाँ इस तरह का हम टूर्नामेंट खेल रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास जो कि ये बी डिवीजन सर्वोदय का बी डिवीजन टूर्नामेंट है, वो हर साल कराया जाता है। अभी 2 मैच के लिए हमने स्टेडियम में बुक कराया था, क्योंकि वहां पे स्टेट था कबड्डी का खेले उसका, तो उसकी वजह से हमारा टूर्नामेंट यहीं पे कराना पड़ गया, जो कि जो बच्चों से अपेक्षा थी उससे काफी अच्छा ये टूर्नामेंट खेला गया, ठीक है। तो इसमें हमारे काफी अच्छे और काफी छोटे जूनियर्स प्लेयर्स हैं, जो कि इस मैच को काफी उतना ही उत्तेजना से खेल रहे हैं जितना उनको चाहिए। तो किसी तरह का इसमें वो नहीं छोड़े, 100% एफर्ट से ये बच्चे मैच अपना खेल रहे हैं छोटू भाई। तो और जैसे जो कि छोटू भाई हमारे जो कि कैमरा मैन और जो कि फेसबुक पे और उस पर इनका चैनल ये फिजिकल आजमगढ़ फिजिकल एकेडमी, ठीक है। अच्छा, इसमें जब लड़के जैसे कहाँ कहाँ जैसे आ सकते, जैसे कितना टीम है इस टूर्नामेंट में? टोटल 4 टीमें हमने पार्टिसिपेट कराया, क्योंकि बी डिवीजन में हमारे पास 4 टीमें हैं, तो 4 टीमों को हमने पार्टिसिपेट कराया। ये जो कि टूर्नामेंट 5 पंच की तरफ से, ये जो इनकी किट है 5 पंच का है उसकी तरफ से। और इसमें टोटल टूर्नामेंट में योगदान बच्चों का ही रहा, इन्हीं के पैसे से टूर्नामेंट खेला भी जा रहा है। ऐसा नहीं किसी का कोई बाहरी हमने सपोर्ट लिया, बच्चों से जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए उसी पैसे में टूर्नामेंट खेला जा रहा है, ठीक है। और बच्चों का काफी इसमें योगदान रहा है, ठीक है। बच्चों का एकेडमी में नाम लिखवाने के लिए क्या क्या? ये सर्वोदय क्रिकेट एकेडमी, एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी चाहिए, एक फोटो चाहिए, ठीक है। और एज बाउंडेशन एक होता है कि कोशिश करें कि जो 19 एज लिमिटेशन है उससे डाउन ही रहे, मैक्सिमम जो क्रिकेट में बच्चा कोशिश करे खेलने आए वो 14 ईयर से नीचे ही रहे। तो उसके लिए हमारा एज लिमिटेशन 14 का ट्रायल जो यूपीसीए कराता है, फिर उसके बाद 16 होता है, 19 होता है, ठीक है। और तो एकेडमी हमको लगता है आजमगढ़ में एक ही है, ये सर्वोदय क्रिकेट एकेडमी। उसमें सबसे बड़ी बात जो कोचेज हैं, 2 कोच, एक बॉलिंग कोच एक बैटिंग कोच, दोनों एनआईएस कोच हैं, जो कि एशिया के सबसे बड़े फिजिकल कॉलेज से किए हुए हैं, जो कि इंडिया में एक ही जगह से इस समय एनआईएस चल रहा है, वहां से करके आए हुए हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि क्रिकेट में जैसे कि आप जहां पे खेलिए, जहां पे प्रोफेशन आपका बना रहे, आपकी वैल्यू को समझे कोई, ऐसा नहीं कि हमने क्रिकेट खेला सामने वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हम जैसे हमको ये पता है कि क्रिकेट में बच्चों को कब क्या किस तरह की ट्रेनिंग देनी है भाई, फील्डिंग कैप्टन। और एक बात और है शंभु भैया, इतना बढ़िया पिच बना है, आप लोग आप लोग भी आइए इस एकेडमी। ये विकेट जो कि काली मिट्टी का विकेट है, ये विकेट हमारा बना था 2019 में बना हुआ विकेट है। और ये विकेट क्लियर है कि विकेट कभी टूटता नहीं, काली मिट्टी का बना हुआ विकेट है, जो कि हमारे लगभग यूपी में इस साइड में यही मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इस साइड की यही काला मिट्टी का विकेट बनता है। तो ये जैसे कि काफी हमारा जैसे इस पे दूसरा मैच चला, विकेट में किसी तरह की कोई वो नहीं हुई है। और ये देख रहे हैं विकेट काफी अच्छा और सॉलिड विकेट है, जिसपे इस पे बैटिंग करना भी काफी ईजी है, थोड़ा सा विकेट फास्ट होता काली मिट्टी का। तो इसके साथ हम ये देते हैं कि बच्चे अपना मैच चालू करें। आप लोग को हम संपर्क नंबर दे देंगे, इसमें सुविधा क्या क्या है? सुविधा यहाँ पे हॉस्टल की, जैसे हमारे के यहाँ जो हमारे जो स्कूल के संस्थापक हैं वो भी एक नेशनल स्तर के रेसलिंग के प्लेयर थे, तो यहाँ पे जो डाइटिंग का बहुत अच्छी डाइटिंग का चार्ट है, यहाँ पे चार्ट के हिसाब से डाइटिंग मिलता है और खिलाड़ियों के लिए उनका अलग तरह का चार्ट है, ठीक है। दूसरी चीज ये रही कि यहाँ पे जो क्रिकेट मेन, ये क्रिकेट के लिए टोटल ग्राउंड है, ठीक है। और जो भी यहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था है 7,000 रुपए में 1 महीने की है, जो कि बहुत काफी अच्छी, उसमें पढ़ाई भी आपका खेल का भी है। अच्छा। सारी फैसिलिटी यहाँ पे है। अच्छा, और फाइनल में क्या क्या इसमें व्यवस्था थी आज?
और फाइनल में जैसे हमारे जो माइक की व्यवस्था थी, हमारे जो कि बैंक के सीनियर्स खिलाड़ी थे उन्होंने सपोर्ट किया था, और ये जो टूर्नामेंट था सारा बच्चों के योगदान से कराया गया टूर्नामेंट है। और दूसरी चीज ये रहा जो कि बच्चों को खाने के लिए हमारे बैंक के और कर्मचारी हैं, उनका बच्चा खेलता है, छोटा जूनियर्स हमारे पास है, इनके फादर है, तो बच्चों को खाने के लिए सारी फैसिलिटी इनकी तरफ से है। और जैसे कि हम इस टूर्नामेंट में किसी गेस्ट या किसी को नहीं बुलाया है, जो कि जो टूर्नामेंट जो कि बच्चों के आयोजन से चल रहा है, इन्हीं के पैसे से चल रहा है, तो इसलिए हम किसी का सहयोग नहीं लिए हैं। सबसे बड़ी बात टूर्नामेंट पे हम देखते हैं बड़े बड़े टूर्नामेंट में इतना इतना बड़ा ट्रॉफी रखा जाता है, हम देख रहे हैं इतना छोटे छोटे बच्चे में इतना बड़े हम पहली बार देख रहे हैं। तो इसमें ये रखा गया कि जो बच्चों का टूर्नामेंट है वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, हमारे के जो भी टूर्नामेंट होता है इसी तरह का होता है कि हमको तो पैसे बचाना नहीं है, हमको बच्चों के लिए सब कुछ करना है, तो इसके अनुसार हम बच्चों के लिए सारा टूर्नामेंट का आयोजन किए कि बच्चे इसमें इंजॉय करें अपना। अच्छा, इस अकेडमी में कितने लड़के हैं? हमारे पास रजिस्टर्ड बच्चे 80 बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं। हाँ, जो कि हमारे पास दो NIS कोच हैं जो कि एक अच्छे लेवल के हैं। हाँ, बहुत कम जगह मिलते हैं। हाँ, क्योंकि NIS कोच ही क्रिकेट की कोचिंग दे सकता है या कोई प्लेयर कुछ खेला उस स्तर पे दे सकता है। कोचिंग तो बहुत चल रही है, अर्जी वाला तो हर जगह चल रहा है, ठीक है, लेकिन अपना ये कि एक सिस्टम से जो हमारा जैसे यूपी में चला रहे हैं जो UPC और जो हमारे BCCI की गाइडलाइन है उसी के अनुसार हमारी अकेडमी चलती है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। और